बांदा जनपद के बबेरू तहसील में बुंदेलखंड किसान मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर 8 सूत्री मांगों को लेकर नायब तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को ज्ञापन भेजकर समस्या का समाधान करने के लिए मांग किया। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा के बबेरू तहसील परिसर का मामला, जहां पर बुंदेलखंड किसान मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद करवरिया के नेतृत्व में दर्जनों किसान मजदूर नारेबाजी करते हुए जा धमके, वहीं काफी देर तक नारेबाजी कर हंगामा करते रहे और अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर नायब तहसीलदार अभिनव तिवारी को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को 8 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। शिवलाल शर्मा, जिला संवाददाता, बांदा। महोदय जी, हम लोग तहसील में आए थे, एक हमारा 6-7 सूत्री ज्ञापन था जिसमें विशेष हमारी समस्या थी कि खाद बीज की वसूली होना अच्छी बात है। हमारा किसान अतिवृत ओलावृष्टि सूखा के कारण नहीं दे पाया, लगभग 10 वर्ष पुराना है, उनकी नोटिस कास्ट दी गई है, किसानों को डराया धमकाया जा रहा है, उनको जेल भेजने के नाम से उनसे रिश्वत मांगी जा रही है। जब हमारे किसानों ने हमको बताया, अवगत कराया, इसके बाद दूसरे दिन हम खुद उसके शिकार हो गए। जब हमने रिश्वत देने से मना किया तो एक घंटे बाद जो है जिला के एक अधिकारी कमलेश सिंह जी हैं, उनका टेलीफोन आया, उनका टेलीफोन मेरे रिकॉर्डिंग में भी है, उन्होंने मुझको भी धमकाया और कहा 13 के बाद मैं आपको देख रहा हूँ कि आप कितने बड़े नेता हैं। तो इन तमाम समस्याओं को लेकर, विद्युत की समस्याओं को लेकर आज हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा। यदि इन सब चीज़ों में सुधार नहीं होता तो बुंदेलखंड किसान मजदूर संघ अपनी किसानों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन या ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग बबेरू से पैदल चल के माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय महाराज योगी आदित्यनाथ महाराज जी के शरण में जाएंगे और बबेरू से हम लोग चल के पदयात्रा करते हुए लखनऊ उनसे मुलाकात करेंगे और अपनी समस्या बताएंगे। किसके नाम ज्ञापन दिया गया? ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से हमने जो है यहाँ तहसील में सौंपा। क्या नाम है? प्रहलाद करोलिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बुंदेलखंड किसान मजदूर संघ।